दिख रहा है ना? चौदह छब्बीस और चौबीस, ठीक है। ये आपका देखेंगे 24 आवर की उसकी ओवरऑल सर। एक्टिविटी। हाँ सबीर, अभी सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट से स्टार्ट हो रहा है। चल पेज नंबर, पेज नंबर 77 है। सर। ठीक है, तो ये किसी भी, जैसे पूरे डे का वर्क है तो पूरे डे के वर्क को एक सर्कल माना गया। ठीक है, और पूरे डे के वर्क ट्वेंटी मीन्स उसमें कितने आवर्स होंगे एक डे में? 24 आवर्स। 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स उसका पूरा वर्क लिया गया है। ठीक है, तो अगर वीक में से बोलेगा तो कितने कितने डे होंगे? अगर कह रहा है कि वन वीक सेवन सर। में 7, तो इसमें यानी कि कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 7, सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7। तो फर्स्ट तो सर्किल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम किस बेस पे ले रहे हैं। अगर वीक ले रहे हैं तो वीक, और डे ले रहे हैं तो डे। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 नंबर्स ले रहे हैं तो ओवरऑल क्या हो रहा है? 100 नंबर्स, यानी कि जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? ये जो पूरा सर्कल है ये 100 नंबर्स इंडिकेट कर रहा है। तो ये अलग अलग कंडीशन में इसके क्या कहते हैं, अलग अलग ग्राफ बन जाएंगे। बट जो भी इसमें से निकालेंगे हम ओवरऑल में से जितना हमारा रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आप मान लीजिए आपका ये जो दे रहा है 8 आवर स्लीप, ठीक है, फिर 6 आवर स्कूल प्ले, थ्री आवर अदर एक्टिविटी, थ्री आवर होमवर्क आपका 4 आवर। ठीक है, तो ये एक तरीके का ये पूरा सर्किल दिन 24 आवर रिप्रेजेंट कर रहा है या वन डे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें से जैसे आप लोग नॉर्मल डेज में जब आप लोग की स्कूल खुलते थे उसमें आप लोग एक्टिविटी करते थे, आप लोग नाइट में 1 आवर क्या करते थे? स्लीप करते थे। 6 आवर आप लोग स्पेंड अपना टाइम कहाँ पे करते थे? स्कूल में करते थे। ठीक है, 2 से 3 घंटे आप लोग अपना प्ले करते थे। तो ये पूरा सर्कल दिखा रहा है कि 24 आवर में आपके द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की गई। ठीक है, सेम ऐसे आपका सेकंड दिया गया है, एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। अर्पिता आपके पीछे से वॉइस आ रही है, एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। अब एज ग्रुप दिया गया है, कहां से कहां तक दिया गया है बताओ सबीर? सेकेंड वाले ग्राफ में सबीर, वंशिका, अर्पिता, सबीर, सबीर, बाई बर्थ से लेके 60 ईयर्स के अबव तक इनको कैटेगराइज किया गया है। तीन पार्ट में किया गया है। फर्स्ट है आपका 0 to 14, फिर आपका सेकेंड है 15 to 60, एंड थर्ड पार्ट जो आपका है 60 एंड अबव। ठीक है, अब आप देखेंगे ह्यूमन लाइफ में बच्चे की बाई बर्थ से लेके 14 ईयर, ठीक है, और 14 के बाद 15 to 16, 0 to 14,
15 to 16 and 16 and above. यही तीन कंडीशन आपकी फॉर्म होंगी, ठीक है। तो इसमें दे दिया गया है एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन 0 टू 14 कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है बताइए। जो 30,000 है, ये जो 0 टू 4 के बीच में लाई करते हैं वो 30,000 है, और फिर आपका 15 टू 60 50,000, और 60 एंड इसके अब क्या है आपके 20,000। दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ्स। ये जो दो बने थे ये लोग सर्किल ग्राफ्स बोले जाते हैं। अ सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। ये क्या कहता है, रिलेशनशिप शो करता है होल से और क्या बिटवीन इट पार्ट, यानी कि ओवरऑल 100 और इसके 0 टू 14 वन पार्ट, 15 टू 16 वन पार्ट एंड 69 अबव वन पार्ट, ठीक है। हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, द साइज ऑफ ईच सेक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। फॉर एग्जांपल इन द ग्राफ, इन द अबव ग्राफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स वो क्या है आपका 8 hours एंड होल डे, होल डे आपका क्या है 24 hours। अब ये आपका 8/24, ठीक है, 8 1 8 8 3 24, तो ये 1/3 पार्ट है आपका स्लीपिंग का, ठीक है, सेम है। सो दिस सेक्टर इज डन एज 1/3 पार्ट ऑफ सर्किल, सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर स्पेंट इन स्कूल, ठीक है। इसमें है नंबर ऑफ स्कूल आवर्स ऑब्लिक होल डे 6/24, जब हम इसको कट करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। सेम ऐसे आपका प्ले के लिए हो जाएगा एंड अदर। सो दिस सेक्टर इन ड्रॉन 1/4 सर्किल, सिमिलरली द साइज ऑफ अदर सेक्टर कैन बी फाउंड, एड अप द फ्रैक्शंस फॉर ऑल द एक्टिविटीज डू यू गेट द टोटल एज 1। अ सर्किल ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट। ये जो सर्किल ग्राफ होता है इसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्राई दिस है, इसको आप लोग डन कर लीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका ड्राइंग पाई चार्ट, ठीक है। शब्बीर वंशिका, वंशिका शब्बीर सर, इसमें लिखा है जो सर्कल के जो सेंटर का एंगल टोटल एंगल है वो 360 डिग्री है, तो उसी को अपॉन में कर दिए हैं। ये होता कैसे, टोटल एंगल है उसका। अर्पिता ये होता कैसे, सर नहीं पता। सबीर ठीक है, अर्पिता देखिएगा आप लोग को बताया गया, आप लोग को याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका 90 होता है अर्पिता। यस सर, ठीक है। अब ये सर्कल का सेंटर मान लीजिए, ठीक है अर्पिता। अब इसके इधर वाला क्या हो जाएगा 90 होगा, ठीक है। अब इसको हम अगर नीचे ड्रा कर दें तो ये भी आपका क्या होगा 90, और ये वाला भी आपका 90 हो जाएगा। 90 × 4 = 360 होगा कि नहीं होगा सर, होगा। 9 9 9 9 जब ऐड करेंगे या 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 360 होगा। अब यही हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सर्कल काम हो गया, ठीक है। तो जो सर्कल होता है वो 360 एंगल का होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पूरा कितने का एंगल बता रहा है, 360
360 का, ठीक है। अब जो हमें 1/2 मिला, 1/4 मिला, हम लोगों ने क्या किया, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एंगल मिल गया, ठीक है। अब है ड्रा सर्किल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस, ठीक है। सभी स्टार्ट कीजिएगा रीड करना यहां से। सबीर चला गया इसका आज। अर्पिता देख रहे हैं हम लोग, ड्रा सर्किल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस, मेक इट सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए, ठीक है। अब जब नीचे आएंगे देखिए दे रहा है द एंगल ऑफ द सेक्टर्स फॉर चॉकलेट इज 180, क्योंकि वो 50% ले ले रहा है। अब ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है 50% पार्ट इसका चॉकलेट हो गया। अब इसको हम 50 को हाफ ऑफ कर दे रहे हैं, 25% एंड 25%। ये वाला मान लीजिए वनीला है और ये वाला अदर फ्लेवर, ठीक है। तो ये 100 था ओवरऑल, 50 आपका चॉकलेट हो गया, 25 वनीला एंड 25 अदर फ्लेवर, ठीक है। सेम ऐसे आपको दिखाया दे गया है, कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर। अब ये आपका सेक्टर बना 90 का, जैसे आप लोग को बताया गया था ऊपर, ये 90 का बना और ये ओवरऑल 180 का बना, ठीक है। सेम ऐसे आपका है एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। अब ये है ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। अब ये आपका एक पाई चार्ट बना है, या कह सकते हैं सर्कल चार्ट बना है, ठीक है। इसको परसेंटेज फॉर्म में दिया गया है, इसका एक्सपेंड करना है, उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट आपका ऑन बीच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस वाले में जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो मैक्सिमम है, तो किस वाले में होगा, चार्ट में किस वाले से ज्यादा है बताओ। फूड में कितने परसेंट, 25, ठीक है। सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम्स इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। अब देखें कहीं पे सेविंग है, ठीक है, सेविंग कितना है 15%, ठीक है। अब कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग, और किस चीज में 15% है जो कि ये सेविंग के इक्वल है, किस वाले में है, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, इन दोनों का जो है परसेंटेज है वो 15% इक्वल है, ठीक है। थर्ड है आपका इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली 3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ। अब ये अगर क्या कहते हैं उनकी सेविंग 3000 है तो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ क्लॉथ उनका क्या है। अब क्लॉथ में आप देखेंगे 10% है, ठीक है। अब देखेंगे 15% रिप्रेजेंट, अब आपकी सेविंग 15% है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कितना, 3000, यही है ना। आपकी सेविंग कह रहा है 15% है, और फिर आपसे कह रहा है जो आपका ये 15% है वो आपकी सेविंग 3000 है। तो अगर क्लास पे हम लोग स्पेंड कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग का, तो ये हो जाएगा आपका 300/15 × 10, ठीक है। ये जो आपका क्लास का एक्सपेंस था, ठीक है। अब इसको हम आपका ये आ जाएगा 2000, ठीक है, समझ में आया कैसे आया ये 2000। अर्पिता
और बीटा कैसे आया ये 2000? सर जब 15 को 3000 से डिवाइड करें तो माइनस, शब्बीर शब्बीर सेविंग है वो 15% है, फिर देन आपको कह भी दे रहा है जो हमारी जो सेविंग है, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, यानी जो हमारी सेविंग है जो 15% थी वो 3000 की इक्वल है, तो क्लॉज पे कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो हम 3000 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आपका ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है ये आप लोग कर लीजिएगा, उसका आपका चैप्टर 5.2 इसको डन कर लीजिएगा आप लोग।